दोस्तों, कैंसर एक बेहद खतरनाक बीमारी है जो अच्छे भले आदमी को तोड़ के रख देती है। इससे शरीर दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ता है, जिससे इंसान के भीतर नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। इस खतरनाक बीमारी में एक नए प्रकार के कैंसर की खोज हुई है। जी हाँ, हाल ही में एक शोध के द्वारा कैंसर के साथ एक नए कैंसर का नाम जुड़ गया है। शोधकर्ताओं ने प्रोस्टेट कैंसर के एक नए उप प्रकार की पहचान की है, जो करीब 7% मरीजों में विकसित होता है। इस उप प्रकार के लक्षण का पता जीन CDK12 के नुकसान की वजह से चला है। यह शुरुआती ट्यूमर अवस्था के ट्यूमर की तुलना में आमतौर पर मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में पाया जाता है। इस शोध का प्रकाशन सेल नामक पत्रिका में हुआ है। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोध लेखक अरुण चिन्नायन ने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही आम है, इसलिए 7% काफी संख्या है। शोध में पाया गया कि जिन ट्यूमरों में CDK12 निष्क्रिय था, वे प्रतिरक्षा चेकपॉइंट अवरोधकों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिरक्षा चेकपॉइंट अवरोध इम्यूनोथेरेपी उपचार का एक प्रकार है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर में सीमित सफलता मिलती है। चिन्नायन ने कहा, तथ्य यह है कि इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर इस प्रकार प्रोस्टेट कैंसर के उपप्रकार के खिलाफ प्रभावी हो सकता है, जो इसे काफी खास बनाते हैं। ये CDK12 परिवर्तन वाले मरीजों के लिए संभावनाएं पैदा करती है और उन्हें इम्यूनोथेरेपी से फायदा हो सकता है। इस नए प्रकार के कैंसर ने लोगों के दिमाग में नई तरह की समस्या उत्पन्न करी होगी, और ये एक अलग तरीके का कैंसर है जो एक विभिन्न तरीके के उपयोग या उसके निष्कर्ष या ट्यूमर के द्वारा उत्पन्न होता है। क्यूरियन हेल्डेक्स की रिपोर्ट।